नेपाल की तारा एयरलाइंस के विमान के क्रैश होने की सोमवार सुबह पुष्टि हुई है। वहां की आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुस्तांग के सानोविय इलाके की पहाड़ी पर इसका मलबा मिला है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को मलबे से 14 लोगों के शव मिले हैं। विमान में 4 भारतीय और 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान 43 साल पुराना था। एयरक्राफ्ट ने रविवार सुबह 9:55 पर पोखरा से जोमसोंग के लिए उड़ान भरी थी। इसे 10:20 पर लैंड करना था। इससे पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इसका संपर्क टूट गया था। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रविवार को हुई हत्या के बाद जहां 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मूसेवाला के पिता बलकोर सिंह ने एफआईआर में कहा है कि उनके बेटे के पास फिरौती के लिए धमकी भरे फोन कॉल्स आते थे। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में बीती रात एक खड़ी लॉरी में ट्रक जा घुसा। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। लॉरी सवार लोग श्रीशैलम से लौट रहे थे। बीती रात हुई यह टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद ट्रक मिनी वैन पर पलट गया। कांग्रेस ने रविवार को राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें कांग्रेस ने पवन खेड़ा को भी सूची में शामिल नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर अपना दर्द जाहिर किया। जानिए क्या कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद ट्विटर पर लिखा, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। वहीं अपने ही एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा, मुझे पहचान कांग्रेस ने दी है, मैं अपनी इस बात से सहमत भी हूं और इस पर अडिग भी हूं। खेड़ा ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया उसमें लिखा था, हम पार्टी के प्रवक्ता हों या कांग्रेस की सरकार में कानून मंत्री हों, हमारी पहचान कांग्रेस से बनी है, यह हम में से किसी को नहीं भूलना चाहिए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2706 नए केस मिले। शनिवार को 2828 केस मिले थे। इस दौरान 25 और लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गयी।